to my channel Easy Busy. It's me Shudipta. Thank you for watching my channel, friends. आज बच्चों के लिए ड्राइंग दिखाने जा रही हूँ मैं इजी से इजीएस्ट वे. पहले ही मैं दोस्तों सजेस्ट कर देती हूँ, मैं कुछ लिंक्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कलर्स के लिए. बच्चों को सिर्फ नॉन टॉक्सिक कलर ही दे आप. मैं आज स्केच पेन से दिखाने जा रही हूँ क्योंकि ये विजिबल होगा. बच्चों को स्केच पेन बिल्कुल ना दे दोस्तों, उसका हाथों का ग्रिप खराब हो जाएगा, बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा, बच्चा बेचारा भुगतेगा, उसको प्रॉब्लम होगी, वो बेचारा बोल भी नहीं पाएगा. सो बच्चे के लिए मैं बोल रही हूँ कि स्केच पेन उन लोगों को बिल्कुल भी ना दे. उन लोगों को दे सिर्फ वैक्स क्रेयॉन और प्लास्टिक क्रेयॉन. प्लास्टिक क्रेयॉन दोस्तों टूटता नहीं है, बहुत अच्छा ग्रिप होता है उसका. जितना भी बच्चे लोगों का एक होता है टेंशन कि बच्चे बहुत घिसते हैं, वो जितना भी घिसे वो ज़्यादा नहीं लगने वाले. प्लास्टिक क्रेयॉन इज़ द बेस्ट. अगर आपको प्लास्टिक क्रेयॉन नहीं मिलता है तो आप आराम से नॉर्मल जो वैक्स क्रेयॉन होता है उसे यूज़ कर सकते हैं. तो दोस्तों ज़्यादा बातें आज मैं नहीं करती. अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक देना ना भूले. और दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक्स अराउंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों जैसा मैंने इससे पहले वीडियो, अगर आप लोगों ने इससे पहले का मेरा वीडियो नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं ये पूरा जून मंथ जो है बच्चों के लिए डेडिकेट कर रही हूँ. तो जून में मेरा जितना भी वीडियो आया है प्लीज़ जाकर एक बार देख लीजिए अगर आपके छोटे टॉडलर्स हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत टेंशन होती है, उनका कैसे क्या शुरू करें बहुत ज़्यादा टेंशन होता है. तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं आप लोगों से बस शेयर कर रही हूँ. इससे पहले मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि सारे के सारे वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे बच्चे के लिए. मैं लिंक्स भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर. सो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए सारे के सारे वीडियो. मैं थोड़ा सा टर्न कर लेती हूँ पेज को. तो सबसे पहले दोस्तों बच्चों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, कुछ भी चीज़ बताइए उसको थोड़ा पॉजिटिविटी होना चाहिए उसमें. जैसे सबसे पहले बच्चों को ये सिखा सकते हैं आप स्टैंडिंग लाइन. मैं पहले भी बता चुकी हूँ स्टैंडिंग लाइन इज टोटली इम्पॉर्टेंट टू अ चाइल्ड व्हेन ही जस्ट स्टार्टिंग हिज लर्निंग प्रोसेस. एक्चुअली जब वो शुरू कर रहा है तो उसके लिए एक स्टैंडिंग लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले वही सीख रहा है वो. अगर वो अच्छा होगा तो उसका जाके सब कुछ अच्छा नेक्स्ट भी होने वाला है. तो स्टैंडिंग लाइन, दो बच्चा अगर स्टैंडिंग लाइन ऐसे खींच ले तो उसको बस एक वी, आप बच्चों को जब लेटरिंग आ जाएगा तो एक बस एक वी जोड़ने के लिए बोलिए, या फिर बोल दीजिए उसे कि दो स्लैंटिंग लाइन बनाए, फिर नीचे एक स्लिपिंग लाइन बनाए. बच्चा देखिए पूरा एक पैटर्न से एक शेप आ गया. फिर बच्चे को बोलिए कर्व बनाने के लिए. दोस्तों अगर आपने मेरा पिछले का वीडियो देखा है तो सार देखिए, आप मेथड वाइज मैं जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं मैं आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द मेथड बोल रही हूँ. सो सिंपल कर्व, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से एक पूरा पेड़ बन गया दोस्तों. अब बच्चे को सिखाना है सर्कल, तो सर्कल से अंदर छोटे छोटे फ्रूट सिखा सकते हैं आप. तो जब बच्चा सीख जाए अच्छे से, आप पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए बोले. मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 2B पेंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अ चाइल्ड, सबसे सॉफ्ट होता है अच्छा होता है. तो 2B पेंसिल ही बच्चों को दे. तो 2B पेंसिल से जब बच्चा ड्रॉ कर ले तब उसको कलर करने के लिए दे सकते हैं आप. ये गया एक पेड़ सिंपल सा, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन से. फिर बच्चे को एक स्लीपिंग लाइन बनाने को बोलिए, फिर उसको एक कर्व से जोड़ दीजिए. इट्स अ हाफ सर्कल. तो हाफ सर्कल जब बच्चा सीख गया है तो हाफ सर्कल से आप बच्चे को बोलिए एक ऊपर एक और सर्कल बना दे. हाफ सर्कल कर्व, एक वी, दो छोटे छोटे स्लैंटिंग लाइंस, एक छोटा सा सर्कल, अंदर एक और कर्व, यहां पे एक स्लैंटिंग लाइन, दो स्लैंटिंग लाइन के बीच में एक वी या फिर दो स्लैंटिंग लाइन और. तो छोटे छोटे स्टैंडिंग लाइन एंड वन बिग स्लीपिंग लाइन. सॉरी फॉर द नॉइस फ्रेंड. टू स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन. ये बन गया है एक सिंपल से सिंपल बर्ड. एक और सिंपल बर्ड होता है, बच्चा अगर सीखना चाहे तो एक अंडा बनाइए, सिंपल अंडा या फिर एक ओवल शेप. यहाँ पे जाके एक डिजाइन बना दीजिए ऐसा छोटा, एक सर्कल, एक छोटू सा चोंच, एक एम बना के सिखाइए बच्चों को. दो स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन एंड यहाँ पे दो तीन कर्व्स. बन गया आपका एक क्यूट सा किटन बोल सकते, सॉरी चिकन बोल सकते हो आप, एक क्यूट सा आप एक बर्ड बोल सकते हो. इसका छोटा सा एक
इस तरह से एक हेड में छोटा सा एक बना दीजिए, और भी क्यूट लगेगा ये। अब इससे सिंपल दोस्तों नहीं हो सकता है, बच्चों को सिखाना पड़ेगा एक एक करके। इसके बाद आप इन सब चीज़ों से बच्चे को रिलेट करना सिखा सकते हैं। आप एक काम कीजिए, एक लंबा लाइन में ऐसे ड्राइंग करना सिखाइए। मैं आज ड्राइंग भी सिखा रही हूँ, एक ट्रिक भी सिखा रही हूँ एक वर्कशीट का। अब जाके आप एक चीज़ बना सकते हैं, ये एक छोटा सा चिकन है, तो आप यहाँ पे एक एक बना दीजिए, यहाँ पे एक फ्रूट बनाइए, मैं एक एप्पल बना रही हूँ। और यहाँ पे एक नेस्ट बना दीजिए, बस कुछ भी नहीं, ऐसे जिगजैग 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 करके एक नेस्ट बना दीजिए। तो अभी बच्चे को बोलिए इसको कनेक्ट करने के लिए पहले कलरिंग। बच्चा जब कलरिंग अच्छे से सीख जाए तब बच्चे को बोलिए जॉइन टू पिक्चर्स। बच्चे को यहाँ से यहाँ आने में हेल्प कीजिए, यहाँ से यहाँ आने तक हेल्प कीजिए, फिर पेड़ से फ्रूट तक आने में हेल्प कीजिए। बच्चा कलरिंग भी सीखेगा और साथ में दोस्तों उससे अच्छा एक नॉलेज हो जाएगा लिंक बनाने का। तो नॉट ओनली ड्राइंग, ड्राइंग के साथ कुछ आप इंटेलिजेंसी टास्क दीजिए। आप मम्मा है, आप पापा है, आपको अच्छे से पता होगा, आप टीचर भी हो सकते हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का क्या नीड्स है। हर एक बच्चे का साइकोलॉजी अलग होता है, हर एक बच्चा अंदर से बिल्कुल अलग होता है। आप देखिए आपके बच्चे के अंदर का टैलेंट कौन सा है, उसे क्या चीज़ पसंद है, उस हिसाब से आप अपने दिमाग चला के अपने तरीके का कोई वर्कशीट बनाइए। बच्चे के लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल होता है दोस्तों, उन लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट लाता है। तो आज ये इतना ही तक था, मैं दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ दूसरा ड्राइंग सिखाऊंगी, साथ में मैं कुछ और एक वर्कशीट भी सिखाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।